लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस हर बार जब भी देश के सामने या समाज के सामने कोई चुनौती आई है, कांग्रेस ने ही उस चुनौती का सामना किया है। आज से नहीं, आज़ादी से पहले की बात, और उसके बाद भी लगातार यही हुआ है। आज फिर देश उसी मुकाम पर खड़ा है जहां कांग्रेस से लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस, और हमारे यहाँ अंदर भी कुछ त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं, आज ये चिंतन शिविर जो शुरू हो रहा है उन कमियों को भी एड्रेस करना है, और जो चुनौतियाँ देश के सामने हैं उन चुनौतियों का कैसे मुकाबला करना है कांग्रेस पार्टी को। 50% से ज़्यादा, बिलो 50 लोग यहाँ इसको अटेंड कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। पवन जी, ये चुनाव जीतने का मंथन होगा या कांग्रेस को फिर से मजबूत करने का मंथन होगा जब कांग्रेस दो राज्यों में सिमट चुकी है? दोनों ही बातें आपस में संबंधित हैं। मजबूत होंगे, चुनाव भी जीतेंगे, और समाज को जो एक विचारधारा समाज पर थोपी जा रही है उससे भी समाज को बचाएंगे। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि दो कैटेगरीज में बांटा जाए राज्यों को, एक जहां पर कांग्रेस चैलेंज देने की स्थिति में, दूसरी जगह कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाएं, जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है उसको रीडिफाइन किया जाए, इन सब के ऊपर किस तरीके से काम होगा? राष्ट्रवाद की परिभाषा को रीडिफाइन कांग्रेस के नजरिए से करने की जरूरत, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद की परिभाषा को नहीं रीडिफाइन करना, राष्ट्रवाद की परिभाषा को रीडिफाइन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसे रोकना है। हमारा तो नाम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हमें कोई सिखाएगा राष्ट्रवाद? संविधान के प्रीएम्बल की भी बात हुई कि एक ऐसी प्रस्तावना तैयार की जाए, शपथ भी दिलाई जाए, यहाँ पर प्लेज दिलाई जाए लोगों को, किस तरह की प्लेज कांग्रेस के कार्यकर्ता को इस समय लेने की जरूरत है? आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मुकाबला कांग्रेस डट कर करे, जैसे कि हमेशा करती आई है, अपना इतिहास, हमारा स्वर्णिम इतिहास है, वह हम फिर से करने का मुकाबला करने की स्थिति में आए, यह हमें एक प्लेज लेना है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये पवन खेड़ा जी बता रहे थे कि